यूपी के बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने अग्निपथ के विरोध में अंकुश लगाने के लिए रिटायर्ड सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक में रिटायर्ड सैनिकों से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को अग्निपथ के बारे में समझाने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को योजना में लाभ के बारे में बताया जाए। अगर बच्चों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई होने पर उनका भविष्य खराब हो सकता है। वहीं उन्होंने युवाओं से आंदोलन की आड़ में कानून हाथ में न लेने की अपील की है। आपने देखा होगा आसपास के जनपदों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहां पे हिंसक प्रदर्शन हुए, एक जगह बस को आग लगा दिया गया, इस तरीके की चीज़ें हुई और उसमें कल रात्रि तक ही 100-150 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब अगर ये 100-150 लोग इसमें इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो चाहे इसका परिणाम जो हो, हम अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, बट इसका परिणाम जो हो, अब वो 100-150 लड़के तो इस रेस से ही हट गए, वो तो अब चयन के श्रेणी में ही नहीं आने वाले, ना अभी ना किसी और चयन की श्रेणी में आने वाले, सरकारी नौकरी उनकी चली जाएगी।